हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर टेक एडवाइजर। मेरा नाम है अर्पित और सबको हैप्पी दिवाली भाई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि दीपावली के एक महीने पहले से आप भी देखते होंगे, मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, दो ट्रेंड चल रहे हैं। पहला ट्रेंड ये बायकॉट चाइना, चाइनीज़ आप जो लड़ियाँ आती हैं, झालर आते हैं, जो कि लोग अपने घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं दीपावली में, उनको बैन कर दो। ठीक है भाई, ओके ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, वो ये है कि आप पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाओ, यानी कि जो भी मतलब आप पटाखे वगैरह जलाते हो वो मत जलाओ, सारा छोड़ दो और पॉल्यूशन फ्री दिवाली बस मनाओ। तो पहली बात यहाँ पर आ रही है चाइना बैन की। चाइना बैन आप कर दोगे? आप जिस फ़ोन पे सर, आप जिस फ़ोन पे ट्वीट कर रहे हो या फिर जिस फ़ोन पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हो या फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो, उसमें भी चाइना का पार्ट्स लगे हुए हैं। बिना चाइनीज़ पार्ट्स के कोई भी स्मार्टफोन आज की डेट में बन के तैयार ही नहीं हो सकता है। और रही बात बैन करने की, तो वो तो आप भूल जाओ, इम्पॉसिबल है, सरकार नहीं बैन कर सकती है। इतने सारे टैक्सेज मिलते हैं उसको चाइना से जो भी सामान आता है, कंपनीज उनको टैक्सेज देती हैं, तो सरकार नहीं बैन कर रही है तो आप क्यों इतना परेशान हो, क्यों उछल रहे हो इतना? कुछ नहीं होने वाला है आपके उछलने से और आपका नुकसान हो जाएगा। उल्टा अगर बैन हो जाता है तो इतनी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर ये जो आप ट्वीट कर रहे हो ना, और ये जो लिख रहे हो पोस्ट आप, वो भी लिखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और रही बात पॉल्यूशन फ्री दिवाली की, तो सर आप एसी में बैठे हुए हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो और पोस्ट कर रहे हो कि पटाखे ना फोड़िए, इससे पॉल्यूशन होता है। क्या पॉल्यूशन होता है भाई? आप गाड़ी छोड़ दीजिए, फिर पैदल चलना शुरू करिए, साइकिल उठा लीजिए, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो मेरा मूड बिल्कुल भी इसको देख करके दिमाग ख़राब हो गया है एक महीने से मेरा। बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ मैं सोशल मीडिया, यही सब देख करके। यार ये बिना मतलब का मतलब बकवास करते हैं लोग। एक तरफ अपने पोल्यूशन फैला रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी बड़ी बड़ी यूज़ कर रहे हैं, धुआं उसमें से निकल रहा है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, तो वो नहीं दिख रहा है अपना। मतलब जो भी करो अपना ठीक है, बस लोगों को ज्ञान बांटते रहो कि बस ये पोल्यूशन फ्री दिवाली आप मनाइए। ऐसा ज्ञान ना बांटिए, आपको मनाना है पटाखे फोड़ने हैं फोड़िए, नहीं फोड़ना है मत फोड़िए, फ्री का ज्ञान मत बांटिए, ठीक है? और नहीं मन है तो फिर आप जो भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं, सोशल मीडिया पे आपको बिल्कुल अधिकार है, जो मन करे वो लिख सकते हैं आप, तो लिखते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जिसको तो भाई मनाना है वो तो मनाएगा ही, मैं भी फोड़ूंगा पटाखे। हाँ, मेरी लिमिट है, मैं किस तरह से फोड़ूंगा, क्या फोड़ूंगा, वो मेरी इच्छा है, ये मेरा अधिकार है। मैं बिल्कुल भी अपने त्यौहार को मनाने के लिए स्वतंत्र हूँ, जिस तरह से चाहूँ उस तरह से मना सकता हूँ। तो यार फ्री का ये सब ज्ञान जो लोग बांट रहे हैं, बस उन्हीं से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता था मैं यहाँ पर कि प्लीज़ ऐसे ज्ञान आप मत बांटिए, जिससे जो मनाने वाला है बिल्कुल भी नहीं मनाएगा, मानेगा जो भी उसका मन करेगा वो फोड़ेगा पटाखे, इससे आपकी छवि खराब होगी, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा मतलब यहाँ पे किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं था, यहाँ पे मैं अपने मन की भड़ास निकाल रहा था बस, कि मतलब क्या देख रहा हूँ मैं लगभग एक दो महीनों से फेसबुक पे, हर जगह मतलब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं इस तरह के मैसेजेस, व्हाट्सएप पे भी आपको आते होंगे। तो यही मैं सोचा कि यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, अगर मन करे किसी के साथ तो शेयर करने का। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।